श्री गुरु तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज द्वारा रचित श्री भय किपनेक ममल पाहुजी ग्रंथ का वाचन चल रहा है। बहुत ही आनंद की अनुभूतियों में तराबोर कर देने वाला ये महान ग्रंथ हम सभी को आमंत्रित कर रहा है अपने अंतर की आत्मानुभूति की गहराइयों में उतरने के लिए। और तैयारी कर लें अपने चितनोटा को चैतन्य में रमाने की। 77वां फूलना है चितनोटा फूलना गाथा। अत्री चितनोटा रे मेरे मन रहियो रे, यह उपजीव है ममल स्वभाव। सभी को एक साथ पढ़ना है। चितनो रे चितनो रे मेरे मन रहियो
रंग है जो की कराई, परबिंद है के वैज्ञानू मैं जानू है अलख निरंजन दे
Thank you.
Thank you.
यही पंच दीप्ति परमेष्ठी मई पंच ज्ञान से संयुक्त है। चित्त को यहाँ नौटा की उपमा दी है, जैसे नया नया बछड़ा होता है जिसे अपन नटवा कहते हैं, बहुत चंचल होता है। नटवा बहुत चंचल होता है,
एक भी पल के लिए स्थिर नहीं रहता। ऐसे ही ये चित्त भी उस चंचल नटवा की तरह है, पल पल में चंचल रहना इसका स्वभाव है। कहते हैं अब तू अपने ही अंतर में समा जा, मेरे अंतर में ही रह। ममल स्वभाव उत्पन्न हो गया है, भय क्षय हो गए हैं, अंग अंग में ज्योति स्वरूप का अनुभवन हुआ है। केवल ज्ञान मई बिंद पद अनुभूति प्रकट हो गया। मैंने जान लिया है अलख निरंजन देव, यही ममल स्वभाव है। सम्यक सहित ज्ञान दृष्टि पूर्वक समचित्त होकर अपने पंचाचार स्वभाव में आचरण करो। अलख स्वभाव को लखो, आत्म स्वभाव में परिणत रहो। सातवीं गाथा में चक्षु दर्शन से अपने स्वभाव को ही देखो, ज्ञान दृष्टि में ही परिणमन करो, अज्ञान दृष्टि भुला जाए। आठवीं गाथा में अचक्षु दर्शन, नवीं में अवधि दर्शन, दसवीं में केवल दर्शन, और फिर पंच ज्ञान जन रंजन राग आदि विभाव परिणामों का अभाव, परम तत्व की प्रगटता, परमानंद का दाता देव परम तत्व निरंतर दृष्टि के सामने है। गुरुदेव कहते हैं यही तारण तरण समर्थ स्वभाव है। ममल ममल स्वभाव मैं रहो और मुक्ति में रमण करो, मुक्ति में विस्तायमान रहो। अठहत्तर माँ फूलना है फुटकर चाल गाथा, अलग अलग गाथाएं हैं फूलना। ठिकाने सार में फूलना के बारे में उल्लेख है। कुकावली अस्थान भुक्त बिली की गाथा उत्पन्न भई, समय के निमित्त मकरी के दृष्टान सादा, साहु सहज रमन चौसखे उदयपुर में प्रसाद भयो, भोई विनंत बिली गाथा। संक्षिप्त उल्लेख है, गुरु महाराज ने सहज भव्य जीवों के निमित्त इस फूलना की रचना की। फूलना में कुछ विशिष्ट गाथाएं हैं, भुक्त बिली गाथा, पात्र गाथा, चोर चरपट गाथा, चीला चीली गाथा, जुगवम खंड गाथा, आशीर्वाद गाथा, उवन गाथा और हरियु मऊ गाथा वांछन करेंगे। भुवन
पूनम नंद की सभावम गयंद गर्ज विलयम जिन अनमोय अबल बलियम च सहाव अनंतम विषयम अनेये बिंद विसर्तहियम वित्विंद विषघट उत्तम ज्ञानम अनमोय विषय गलीयम च भवियानम सूक्ष्म परिणाम विशेषम जिन अनमोय विनंद विलयन्ति सुभाव अभावम् विषयं परिणाम विविधेयं च अमीपयो हरतियम् अनुभूयं पतियति स्थितं वर्तम् इति भुक्त विली गाथा यम तारन संविनयम अहम पर जाव अनिष्ट रूपेण निर्गुण नंद विशेषम तुमम अनमोय सगुण वेतन्ति परिजावन्तनियम् निर्गुहितो संतनन्त संयुक्तम् शुभश्रवणम् सुमितोक्तम् तुमम् अनमोय अहम् दोषि विलयन्ति सुन्दरीपर्यम् संशयतुभुववर्णम् तुमम् अनमोय दोषस्वैकल्यम् पयम् पियतुम्हम् तुम्विप्रियसंशयनम् तुमम् अनमोय अहम् ममलम् च इति पात्रगाथा चरपटनन्तनन्त उभनम्
पुनः साहु सुभनम् मरणं स्वयं आहुवम् चोरम् अग्र प्रवर्तते दीप्तिरयनी पारं परं जीवनम् प्रत्यक्ष काला पीला कर उत दो फुल सुखा हीरा मानिक रयन अवेधा गलही थे विरसुरते गुरु के भयन अवध कर ले रूसे तू से मन अभंगा रुष्ट होना स्वेद करना तूसे संतुष्ट होना राग करना रूसे तूसे मन अभंगा जिसका मन राग द्वेष से भंग ना हो ऐसे सेला लाओ संग्रह रूसे ये सिला चली गाथा। इसके पहले सोरम सरपट सोर सरपट गाथा थी, ये सिला चली गाथा। और अब सब में ज्ञान का आशीर्वाद सुधार रयन अनुभवम् जयम् घटयम् तुङ्ग महूत पहिरम् द्वितीय पहिरम् चतु पहिरम् दिप्रयणी आशीर्वाद दिया था। भुवनम भुवन भुवन भुवम सुरमनम दीप्तिम च दीप्तिमयम् श्रियारम् तम अर्कविन्द रयन रम
आए। जम भुवन भुवन को भरिए मो तम भरियुले गर्भ्युन तो स्वामी दिन भरियो दिन आरियो दिन गर्भ उत दिन उतो दिन उत वयन दिन आरियो दिन उत्ति संपत भुक्ति विली गाथा में संसार से संबंधित दुख विषय आदि के विषघट रूप परिणाम अनेक प्रकार के संसार में परिभ्रमण कराने वाले पर्यायी परिणाम जिन स्वभाव की अनुमोदना से बिला गए ऐसे बिला गए हैं जैसे तीसरी गाथा में कहा है सिंह को देखकर जैसे हाथियों के समूह बिला जाते हैं तितर बितर हो जाते हैं ऐसे ही जिन स्वभाव की अनुमोदना से अंतर ज्ञान की गर्जना से सारे भोग संबंधी परिणाम बिला गए पुण्य पाप आदि का भोगना पर्याय का भोगना पर परिणामों का भोगना समाप्त हो गया हृदय स्वभाव अभावम पुण्यम परिणाम दिवि ध्येयम सारे के सारे परिणामों का अभाव
अमी पयोहर रतियम, रसित हो गए अब अमृत में सिंधु में डूबने के। मच्छंतु निर्भर ममी तममेव लोका, ऐसे अपने स्वभाव की अनुमोदना में लीन रहने की प्रकृति बन गई। और सुखदेव कहते हैं इसी आराधना से, इसी साधना से सिद्धि की संपत्ति प्राप्त होनी है। पात्र गाथा में स्वभाव की अनुभूति की महिमा और अहम का मुड़ना, अहम पर्याय सहित होकर जीव बुद्धि रहित हो जाता है, अनंत दोषों से संयुक्त होता है। आप कहते हैं अहम भाव के साथ जब पर्याय में युक्त होते हो तो तुम सुसुम हो जाते हो, चुगलखोर हो जाते हो, अपनी बात दूसरे से कहते हो, पर्याय से कहते हो, पर परिणामों से कहते हो, स्वभाव की इसमें अवमानना होती है। अब तुम अपने स्वभाव की ही अनुमोदना करो, इससे ये अहम के दोष दिला जाएंगे। अहम की पर्याय अशुद्ध है, अपने स्वभाव की अनुमोदना से ममल भाव में ही अहम पना होने से ये अहम पर्याय दिलाएगी। चोर चरपट गाथा में कर्म के आवरणों में रमणता रूप परिणाम होते हैं। आचार्य कहते हैं पर पर्याय में और आवरण में रमण करते हो, ये चोरी है, अज्ञान भाव से होती है, इससे ज्ञान छूट जाता है। और साधु भी अगर हो जाए और पर्याय में रमे तो उसके गुण भी सब खोटे ही होते हैं। मरने की पड़ती है, भाव मरण होता है। और जब ये प्रवृत्ति छूटकर श्रेष्ठ स्वभाव में, दीप्तिमय स्वभाव में, रत्न के समान प्रकाशमान होती है, तब ही जीवन का पार प्राप्त होता है। निरंतर स्वभाव की रमणता वर्तती है, तभी जीवन की सार्थकता होती है। चेला चेली गाथा में चेला रे चेली जाल जंजाला, चेला चेली सब जाल जंजाल है, चेला रे चेली प्रत्यक्ष काला, चेला चेली सब प्रत्यक्ष काल है। चेला कर उतो दुह कुल सुधा, हीरा मानी रयन अभिथा, चेला चेली के समूह दुख के इतने शुद्ध कुल हैं, चेला चेली दुख के इतने शुद्ध कुल हैं जैसे हीरा माणिक रत्न अभेद होते। हीरा माणिक रत्न जैसे टूटते नहीं हैं, ऐसे चेला चेली के कुलों से कभी सुख की प्राप्ति नहीं होती। इतने अभेद अभेद के हैं, किंतु रस गलय जे विरस रसे गुरु के बयन अवसर। जो जीव रस में रमता है, संसार के रस से हटता है, वही गुरु के वचनों को प्राप्त कर लेता है। चेला कैसा हो रू से तू से मन अभंगा, ऐसे चेला लाओ संगा। रू से तू से अर्थात रोष और संतुष्ट होना, तू से माने संतुष्ट होना माने राग, और रू से माने रुष्ट होना अर्थात द्वेष। रू से तू से मन अभंगा, राग और द्वेष से जिसका मन खंग ना हो, राग और द्वेष से जिसका मन खंडित ना हो, विचलित ना हो, प्रभावित ना हो, ऐसे चेला लाओ। इस प्रकार चेला चेली गाथा कही। और चौदहवीं गाथा में द्वयम खंड सुधार वयन अनुगम, सबने ज्ञान की महिमा। पंद्रहवीं गाथा में सबने दर्शन की महिमा। और उवन गाथा में अपने सत स्वरूप को उपलब्ध किया है, जिसे एक भी क्षण के लिए छोड़ नहीं पाए हैं, जिन्नाथ स्वभाव को पा लिया है। और अंतिम भरी मऊ की गाथा में अपने स्व स्वभाव में आचरण की विशिष्ट साधना है, पुरुषार्थ है। इस प्रकार 78वीं पुलना उठकर चाल गाथा यहाँ पूर्ण हुई।
79 नंबर की पूर्णा है कलशों की गाथा। वाचन मनलमच
की पिनिक भवियन जय 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 वंश जन्म तीर्थरम। कलशों की गाथा में गुरुदेव ने अपने धर्म स्वभाव में दीन होकर कलश परिणाम का आनंद लिया है, सिद्ध स्वरूप की आराधना की है और अध्यात्म का एक रहस्य स्पष्ट किया है। ये तो सभी जानते हैं कि तीर्थंकर भगवान का जब जन्म होता है तब इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठाकर बाल तीर्थंकर को पांडुक शिला पर ले जाकर 1008 कलशों से उनका नमन कराता है। कलशों की गाथा नाम की इस फूलना में गुरुदेव ने अपने अंतर में ही परमात्मा का दर्शन किया है, चतुष्टयमय स्वभाव उत्पन्न हुआ है, अनंत अनंत को जो देखने वाला है,
क्रांति हो रही है अंतर में और गीत राग भाव के कलश ढल रहे हैं। इसका जो सार है, जैसी घटना है, इंद्र तीर्थंकर को ऐरावत हाथी पर मेरु पर्वत पर ले जाता है, पांडु किला पर 1008 कलशों से अभिषेक करता है, नवन कराता है। यहाँ गुरुदेव कहते हैं अपना उपयोग इंद्र है। इंद्र कौन? अपना उपयोग इंद्र है। परमात्म स्वभाव तीर्थंकर है। अपना ही परमात्म स्वभाव तीर्थंकर है। शुद्ध आचरण ऐरावत हाथी है, ऐरापति आयरनम, और मेरु पर्वत है धर्म रूप स्वभाव, पांडु शिला है सिद्ध स्वभावमयी शुद्ध परिणति, 1008 कलश हैं अपने आत्मानुभव के, और इनमें आत्मानंद रूपी जल भरा हुआ है। इस प्रकार आत्मानुभव के अभ्यास से, साधना से, अंतर में डुबकी लगाकर ज्ञानी अपने ही परमात्म स्वरूप का ज्ञानानुभूति के कलशों से नभन कराता है। अंतर का ही जल, अंतर के ही परमात्मा पर, अंतर का ही इंद्र, अंतर के ही कलशों से स्वभाव के मेरु पर्वत पर, शुद्ध परिणति की पांडु शिला पर स्थित करके, पल पल अनुभव करके उस घटना का अंतर में ही आनंद लेता है। और ऐसा प्रबल पुरुषार्थ है ये, इसी से चार घातिया कर्मों का क्षय होता है और अनंत चतुष्टय की उपलब्धि होती है। कलशों की गाथा के पश्चात अब चतुर्विधि संघ गाथा 80 नंबर का पूर्णा है। इसमें गुरुदेव ने चार प्रकार के संघ का उल्लेख किया है, ऋषि, यति, मुनि और अंगार। चार प्रकार के संघ का कथन है 21वीं गाथा में ऋषि, 19वीं गाथा में संघ का उल्लेख है, उसके पहले की गाथाओं में ये संघ के साधु संत अपने स्वभाव की साधना करते हैं बात का कथन है। 19वीं गाथा में संघ का उल्लेख करके 20वीं गाथा में स्पष्ट कह दिया वन समय चौ संघम, चार संघ। फिर 21वीं गाथा से ऋषि संघ का जो पहला भेद है उसका कथन किया है। 25वीं गाथा में यति, 29वीं गाथा में मुनि और 32वीं गाथा में अंगार, ये संघ का वर्णन चला है आगे की, जैसे 36वीं गाथा तक अंगार का कथन किया और फिर अंत में संघ के संदर्भ का समारोह कथन है। चतुर्विधि संघ गाथा 1। जय 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 वंश सुभावन, जय 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 जयो जयो दिन वनम, जय भुवनम जय रमनम, जय 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 वंश जयो तीर्थानम। जय धलनम जय उनम, जय 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 वंत जय जय उनम। जय
काल भुवन दिन रमनम। जय गम अगम जय गमनम, जय नृतम जयो जय भुवनम। जय ईश दर्श दर्शन, जय भुवनम जय भुवन दर्श दर्शन, जय दर्शन जय लखनम, जय लखियम अलख्य भुवन दिन दिनयम। मैयम दिन सुयम जय मई जय सुई उवन उवन निधि जयम। जय जयो जयो मन पर जय, जय जय जयवंत केवलम मंगलम। जय गलनम जय 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 कमल छहुवनम। जय कंठ कमल चर चरनम, चरनम तिय जयो जयो तिय रमनम। भुवन सिय रमनम, जय सिय जय सुई स्वयं जय उवनम। जय नंत नंत उवनम, जय जय जयवंत जयो सिय रमनम। जय भुवन भुवन सिय जयम, जय सिय जय उवन उवन ममलम च। जय उवन उवन सिय जयम, कमलम कमल कलन भुव वयनम। भुव सिय भुव भुव उत्तम, जय भुव जय उत्तु जयो भुव वयनम। जय उत्वयन जय उवनम, उवनम जय जय उकर्ण सिय भुवनम। कमल कलन सियवनम, जय जय जयवंत कर्ण जय समयम। जय कर्णम जय श्रवनम, जय सुवनम सुवन नंत जय सुवनम। जय नंत नंत सुव कर्णम, कर्णम सुई जयम जयो रमनम। हिय रमनम जय रमनम, जाता उवन जयो सचो रमनम। हिय हुव जय सहयारम, सहयारम जयो जयो हिय
अवयासम अवयास जयम जय उगनम उगनम अवयास ताहि जय कमलम। जय कमलम जय कलनम जय उगनम कमल केवलम मंगलम कमल ममल जय जयनम कमलम जय जयो कर्ण जय समयम। गुप्त कमल जय उगनम जाता उवन अर्क जय रमनम अर्कम अर्क अनंतम कमलम श्री अर्क कर्ण जय समयम। कमल उवन जय अर्कम अर्कम श्री समय जयम जय कर्णम कर्ण जयम जय हियनम युव जय कमल कर्ण निर्माणम। जय कमलम जय कर्णम जय हिय अर्क हुव अर्क अवयासम जय सहयार हिय रमनम जय 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 उवन समय निर्वाणम। समय जयम जय समयम समय श्री जयो उवन जय रमनम समय संघ जय रमनम जय रमनम उवन समय निर्वाणम। उवन समय चौसंघम संघम श्री जयो उवन जय सुभनम उवन जयम जय समयम समयम श्री उवन जयो निर्वाणम। जय 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 संघ उवनम ऋषि जति मुनियन यार उवन जय रमनम ऋषि नो ऋषि जय उवनम ऋषि भुक्ति रमन दीप्ति दीष्टम च दीप्ति जय ममलम ममलम जय दृष्टि दीप्ति तुनंदम दीप्ति दृष्टि जय जयनम जय 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 ऋषि शब्द प्रिय रमनम। शब्द प्रियम जय रमनम संकारे जयो गुण शब्दम शब्द प्रियो प्रिय शब्दम उवनम जय रतिय समय निर्वाणम। रितियम रिहि जय रिहियम अबल बले जयम ऋषि रिहियम उवन कर्ण ही कमलम कमलम श्री कर्ण ऋषि निर्वाणम। जय 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 जयंत
जय जय दीप्ति दृष्टि जय शब्दम जय सुवनम जय हियनम जय भुव जय अवयास सुई कमलम कमलकर्ण सुई जयनम जय भुवन विषय सुई विलयम बाधा अवधि सुई सहजम भुवनम दिन विषय दिन जयनम रमन कसाय सुविलयम जय उवनम दिनवरेन्द दिन वैनम जय उत्तम जय वैनम जय करणम सहयार जयम जय रमनम अर्क अर्क सुई कमलम कमलम सुई कर्ण जयम निर्वाणम मुनि तीर्थ सुई रमनम दीप्ति सुई दीप्ति शब्द पिय जयनम जय ज्ञान विज्ञान सुभनम मई भुवनम भुवन केवलम ज्ञानम जय तीय जय धु जय कलनम जय कमलम कर्ण मुनि जय रमनम जय अर्क अर्क सुई ममलम शुभ मुनि अर्क समय निर्वाणम ये शुभ अर्क सुनियम अवयासन जुवन अर्क जय कमलम कमलम कलन सुकरणम करणम सुई विंद समय निर्वाणम कन्यार अर्क जय भुवनम सप व्यप विलय जय भुवनम अनमोय विरोह सुविलयम विलयं सुई करणि विनय जय भुवनम दिन जय उवन सहावम दिन दीप्ति दिशं च विनय दिन शुभनम जिन शब्द प्रियो जय जयनम भुवनम जय भुवन ताहि जिन वैनम दर्शन मोहन आवर
कमल कर्ण निर्वाणी। जयम जयवनम आयरनम वन अगम गम गमनम लोये लोये जयवनम अन्यारं प्रीतमे जयो निर्वाणम। जय रमनम अन्यारम जय कमलम कर्णभुवन अवयासम जय सुवनम जय श्रवनम जय कलनम कमल कर्ण निर्वाणम। साहु सुई जयम संघम सुई जयो उवन जय समयम समय उवन जय रमनम उवनम जय समय स्वयं निर्वाणम। जय उवनम कमल कर्ण नमलम कमल विंद सुवनम विंद समय निर्वाणम। समय जय उवनम उवनम जय समय कलन कमलम च कलन कमल जय उत्तम कमलम जय कर्ण समय निर्वाणम। रमन जय नंदम रंजम जय वन रमन जय जयनम जय नंद नंद जिन नंदम जय 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 वंत जय जय तीर्थम। विज्ञानम रंज रंज जिन जयम रंज भुवन ही सहयम विज्ञानम रंज रंज जिन जिनयम विलय रमन जय उवनम अमीहं वै दीप्ति रमन जय रमनम।
नंद जय नंदन श्री नंद जयम दिन दिनयम नंद जय उवनम जय उवनम परम नंद जिन नाम जिन नाह जयम जय उवनम जिन उवनम तमय जयम तिथि रमनम चार प्रकार के संघ का कथन दिया है पूर्णिमा का नाम ही है चतुर्विधि संघ गाथा और हम लोग मंदिर विधि में पढ़ते हैं अप्त समुच्चय जानिए ऋषि मुनि अनुदार पद पद कर्म सिद्ध हो बार आत्म साधकों के चार संघ हैं जो केवल वीतरागी साधुओं की श्रेणी में ही आते हैं ऋषि यति मुनि और अंगार। अपने पद को जैसे ही ये स्पर्शते हैं पद से परिचय करते हैं अपने आप में रमते हैं उसी समय इनके कर्म क्षय होते हैं और सिद्ध पद की प्राप्ति कर लेते हैं। ऋषि यति मुनि अंगार 21 नंबर की कारिका में बिल्कुल स्पष्ट नाम दिए हैं जय 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 संघ वन्नम ऋषि जति मुनि अनयार वन जय रमना। ऋषि 24वीं गाथा में किसे कहते हैं ये कहा है ऋषियम रिहि जय रिहियम रिद्धि धारी मुनियों को ऋषि कहा जाता है जिन साधुओं की रिद्धि सिद्धियां प्रकट हो गई हैं ऐसे रिद्धि सिद्धि वाले साधु ऋषि कहलाते हैं। यति जय 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 जयंती सुई जयम और 27वीं गाथा में आया है रमन कसाय सुविलियम जय कर्णम सहयार जयम जय रमनम अर्थात चारित्र में लीन वीतराग स्वभाव में स्थित वीतरागी योगी जिनके कषाय आदि परिणाम विलय हो गए हैं जो उपशमक अथवा छपक हैं या तो चारित्र मोहिनी की 21 प्रकृतियों का उपशम करके जो उपशम श्रेणी का आरोहण कर रहे हैं अथवा 21 प्रकृतियों का क्षय करके जो छपक श्रेणी का आरोहण कर रहे हैं ऐसे उपशम
अथवा छपक श्रेणी में आरूढ़ ध्यानी मुनियों को यति कहते हैं। मुनि दीप्तिम सुदिष्ट शब्द प्रिय जैनम, जय कमलम कर्ण मुनि जय रमनम, ऐसे सूत्र हैं जिसका अभिप्राय है मुनि वे हैं जो अपने ज्ञायक कमल स्वभाव में रमण करते हैं, ज्ञान दर्शन में प्रिय स्वभाव में रमते हैं, अतीन्द्रिय आनंद अमृत रस का पान करते हैं। ऐसे अवधि ज्ञानी और मना पर्याय ज्ञानी साधुओं को मुनि कहते हैं। अंदार अनयार अर्क जय उगनम, कप रियप विलय जय उगनम, अनमोल विरोध विलय, ये अंगार साधु का स्वरूप है जिनके अंतर में प्रकाशमान स्वभाव उत्पन्न हो गया, संकल्प विकल्प दिला गए, निर्विकल्प स्वरूप की रमणता प्रकट हुई है और अनमोल विरोध विलय राग और द्वेष आदि परिणाम जिनके समाप्त हो गए, विलयम सुई शरण संसार का परिभ्रमण ही बिला गया और जिन स्वभाव को जिनने जीत लिया, वीतराग स्वभाव जिनका प्रकट हो गया, ऐसे ज्ञायक रहने वाले अतीन्द्रिय आनंद का रसपान करने वाले जितेन्द्रिय साधु जिनके जन रंजन मन रंजन कल रंजन दर्शन मोहन आदि विकार क्षय हो गए हैं, ऐसे ग्रह रहित सामान्य नए नए साधुओं को अंदाज करते हैं। इस तरह से चार संघ का स्वरूप इस पूर्णा में गुरुदेव ने कहा। वीतरागता के साथ ही अपने सत स्वरूप में रमणता होती है, जिननाथ स्वभाव नंद आनंद चिदानंद सहजानंद परमानंद स्वरूप उत्पन्न होता है। गुरुदेव स्वयं अपने नंद आनंद स्वभाव की साधना का अनुभव करते हुए पुरुषार्थ को वृद्धिगत कर रहे हैं और हम सबको भी प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं। हम भी जागें, अपने सत स्वरूप का आराधन करें, अपने स्वभाव का लक्ष्य बनाएं और अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। यही श्री गुरु का हम सबको मंगल।